अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। डबल रोटी के नुकसानात। आम तौर पर लोग नाश्ते या अपनी रोज़मर्रा रूटीन में कम वक्त होने के सबब आसानी से बनी बनाई दस्तियाब डबल रोटी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसके सेहत पर मुस्बित या मनफी असरात से मुतालिक जानना बेहद ज़रूरी है। तिबी माहिरीन के मुताबिक आम आवाम में एक ये भी तासुर पाया जाता है कि डबल रोटी मरीज़ों के खाने के लिए बेहतरीन और नरम गिज़ा है, जबकि ये तासुर नहायत गलत है। गज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती होने के सबब डबल रोटी का इस्तेमाल मैदे और निज़ाम हाजमा के लिए नहायत नुकसानदेह साबित होता है। डबल रोटी में फाइबर और गंदम में पाई जाने वाली गज़ाइत ना होने के बराबर होती है, जिसके नतीजे में इंसान मुतअद्दिद बीमारियों में घिर सकता है। इसराइल में वाइट ब्रेड यानी कि आम दस्तियाब डबल रोटी पर की जाने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि वाइट ब्रेड के इस्तेमाल से मैदे और आंतों से मुतालिक मुतअद्दिद शिकायत का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कब्ज़ की शिकायत सर फहरिस है। इस तहकीक में वाइट और ब्राउन ब्रेड के दरमियान मवाजना भी किया गया कि वाइट और ब्राउन ब्रेड में से कौन सी ब्रेड सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर और नुकसानदेह है। माहिरीन की जानिब से तहकीक में शामिल रज़ाकारों को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप के अफराद को सफ़ेद यानी रिफाइंड आटे से बनी वाइट ब्रेड यानी, जबकि दूसरे ग्रुप को ब्राउन यानी के मुकम्मल गजाई अज्जा से तैयार की गई ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करवाया गया। बाद हज़ार दोनों ग्रुप्स के रज़ाकारों के सेहत से मुतालिक टेस्ट किए गए। तहकीक के नतीजे में सामने वाले नतज से मालूम हुआ कि दोनों तरह की डबल रोटी के फवाद सेहत पर यकसा थे। अलबत्त ब्राउन ब्रेड को वज़न कम करने और आंतों के कैंसिस में मुबतला अफराद के लिए कदरे बेहतर, जबकि वाइट ब्रेड को कब्ज़, मायदे में दर्द और निज़ाम हाजमा से मुतालिक दीगर छोटी मोटी शिकायत का सबब पाया गया। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं आप कौन सी ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड इस्तेमाल ना करें, पराठे इस्तेमाल करें। शुक्रिया।